हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। द यूनिट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड द टॉपिक इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में इनिशियली मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया था। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज टू, देन हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज थ्री, then hybridization is sp2, bond angle is 120 degree and the shape of molecule is planar. Okay, when the coordination number is 4, then hybridization is maybe dsp2 or sp3. coordination number 4 par hybridization kaisa hoga, dsp2 ya sp3 ho jayega. The coordination number is 4, that is hybridization is, that is hybridization is dsp2 or sp3d2 in case of, sorry, when coordination number is 4, then hybridization first possible is dsp2, or dsp2 is the 90 or square planar ka complex hoga dsp2. When it is sp3, then there is bond angle 109 degree 28 minute and the shape of molecule is tetrahedral. Okay, now next one, when the coordination number is 5, coordination number 5 per, the chances are dsp3 and sp3d, dsp3 and sp3d, 3 bond angle of 120 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्राइगोनल, और अणु की जो आकृति होगी वो समतल त्रिकोणी होगी, प्लेनर ट्राइगोनल। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो d2 sp3 और sp3d2 90 ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद मैंने आपको बताया dsp2, dsp3, d2sp3 आर द इनर डी कॉम्प्लेक्सेस। ये इनर डी कॉम्प्लेक्स हैं, आर द इनर डी कॉम्प्लेक्सेस। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनका फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस के कारण होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डी sp3d और sp3d2, sp3d और sp3d2 आर द आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस। ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स हैं जिनका फॉर्मेशन वीक लिगेंड के कारण होता है, वीक लिगेंड के प्रेजेंस के कारण होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें आगे कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो है वो हैलोजन्स हैं या ऑक्सीजन है, हैलोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर, ठीक है, सल्फर, ये सारे लिगेंड्स अगर हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो वीक लिगेंड क्या होता है, तो बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में। तो पहले वीक लिगेंड्स व्हेन डोनर एटम्स आर हैलोजन्स। हैलोजन्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डोनर एटम्स आर हैलोजन्स। ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जैसे हम कह सकते हैं OH- तो अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है COO, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, तो डोनर एटम इज हैलोजन्स, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, SCN, एक सल्फर का कॉम्प्लेक्स होता है, तो डोनर एटम अगर सल्फर है, ठीक,
आर द वीक लिगेंड्स, आर द वीक लिगेंड। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो व्हेन डोनर एटम्स आर, डोनर एटम्स आर हैलोजन्स, ऑक्सीजन, हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जैसे नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स होगा ओ एन ओ, तो ओ एन ओ में भी जो डोनर एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन है, ओ एन ओ, और द वीक लिगेंड्स। तो ये सब वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, आर द वीक लिगेंड्स। और क्या काम नहीं करते हैं वीक लिगेंड? इट डू नॉट काजेस, इट डू नॉट काज द बैक बॉन्डिंग, डू नॉट काज द बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं वीक लिगेंड, डू नॉट काज द बैक बॉन्डिंग। तो वीक लिगेंड के अंदर एक फंक्शन नहीं होगा, वो है बैक बॉन्डिंग का। वीक लिगेंड बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो वीक लिगेंड क्या? वेयर द डोनर एटम, जिसमें ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो जहां पर डोनर एटम्स हैलोजन्स हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, तो ये सब वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स होंगे और इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरी बात, when donor atoms are, जब donor atom, when donor atoms are carbon, like in cyanide, donor atoms are carbon, nitrogen, donor atoms are carbon, nitrogen and phosphorus, और जब किसी लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो एटम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? डोनर एटम्स आर कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके, जैसे CN, NC, NC, CN, NC, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ओके, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CN, NC, ठीक है, और आपका डोनर एटम कार्बन, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, अमोनिया केवल एक ही केस में रहता है तो हम लोग उसको अलग से लिखेंगे। तो डोनर एटम्स आर साइनाइड, कार्बोनाइल, NO2, इथाइलीन डायअमाइन में नाइट्रोजन सेंट्रल, नाइट्रोजन वो एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इथाइलीन डायअमाइन, हियर डोनर एटम इज नाइट्रोजन, तो डोनर एटम क्या यहां पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ठीक है, तो व्हेन डोनर एटम्स आर कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉस्फीन, फॉस्फोरस का एक एग्जाम्पल ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, PH3 होल थ्राइस से लिखते हैं इसको, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा क्या, उसकी बात करते हैं। तो देखो, जहां पे डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन जहां पर, या फास्फोरस जहां पर डोनर एटम होगा, वो लिगेंड्स कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे, दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और वो लिगेंड क्या काम करने वाले हैं? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे आप? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स काज बैक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स काज बैक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं? बैक बॉन्डिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं? बैक बॉन्डिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स काज बैक बॉन्डिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं? बैक बॉन्डिंग करते हैं। अब बैक बॉन्डिंग होता क्या है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज द टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द
सॉल्यूशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अभी हमने एक्सेप्शन पर बात नहीं किया, तो एक दो पॉइंट पे और बात कर लेंगे, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, है ना। तो नोट लिखेंगे अलग से, एन ओ टी ई। ओके, नाउ नंबर वन, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट व्हेन अमोनिया इज कोऑर्डिनेट, अगर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और वहां पर अमोनिया लीगेंड है, अमोनिया कोऑर्डिनेट कर रहा है मतलब अमोनिया वहां पे लीगेंड है। इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट व्हेन अमोनिया इज कोऑर्डिनेट, इट इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अमोनिया कैसा काम करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा, इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इन अदर कॉम्प्लेक्सेस इट इज अ वीक लिगेंड। और अदर कॉम्प्लेक्सेस में अमोनिया वीक लिगेंड के जैसा काम करता है। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको फॉलो करना है मतलब, है ना। तो अगर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है तो अमोनिया कैसा काम करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अदर कॉम्प्लेक्सेस में अमोनिया वीक लिगेंड है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से रिलेटेड, वन मोर थिंग, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम, मतलब इनको अलग से याद रखना है, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब ये बैकबोनिंग कर पाएगा। जैसे अमोनिया क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया बैकबॉन्डिंग करेगा, बाकी केसेस में अमोनिया बैकबॉन्डिंग नहीं करेगा। एट सेम एज इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्लोराइड कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करेगा। इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ प्लैटिनम। सो द कॉम्प्लेक्स PtCl4, अब चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो दो चांस बन रहे थे, sp3 और dsp2। अगर बैकबॉन्डिंग हो जाएगी तो dsp2, नहीं होती तो sp3, तो बैकबॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। तो क्लोराइड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम, ओके, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ प्लैटिनम। सो द कॉम्प्लेक्स PtCl4 2- इज DSP2 hybridized, ओके। इसलिए कॉम्प्लेक्स PtCl2 जो होगा, PtCl4 2- इज DSP2 hybridized इंस्टेड sp3, sp3 की जगह पे ये DSP2 hybridized कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। राइट नाउ अब बात करते हैं आगे, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वहां पे बैकबॉन्डिंग होगी, जहां पे वीक लिगेंड होगा वहां पे बैकबॉन्डिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे इट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और वीक लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लो स्पिन होंगे, और जो वीक लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग निकलता है,
इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन इन द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमेन्स इन द कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर निकलता है तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड भी होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे, ऑल द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर द कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस. तो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़ा, इतनी देर तक अब बैकग्राउंड बनाया है, अब चलिए इस पे काम करते हैं. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल K4FeCN6 से स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फर्स्ट वन K4FeCN6. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ आयरन. सेंट्रल एटम जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चार्ज नंबर हमको कैलकुलेट करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द चार्ज नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम. सो यार 4 + x - 6 = 0. आपको पता है द साइनाइड कैरी -1 चार्ज. ओके, एंड द पोटेशियम कैरिंग +1 चार्ज. ये सब बातें अब हमको पता चल गई है. ठीक है, नाउ द चार्ज ऑफ आयरन इज हियर +2. तो आयरन का चार्ज यहां पे कितना आ गया +2, और लिगेंड क्या है साइनाइड. साइनाइड इज द लिगेंड, और साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. साइनाइड कैसा लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि उसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन इज डोनर. ठीक है, तो साइनाइड्स आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब इट कॉज द बैक बॉन्डिंग, वो बैक बॉन्डिंग करेगा. नाउ व्हाट इज द केस ऑफ द बैक बॉन्डिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो स्टार्ट नाउ. ओके, तो सबसे पहला काम कॉन्फिगरेशन. आयरन एटॉमिक नंबर 26, द बैलेंस सेल इज आर्गन कोर 4s2 3d6. 4s2 3d6 इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन. द कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन इज 4s2 3d6. नाउ व्हाट हैपेंस, आयरन 2+ पे जाना है, देन व्हाट इज द न्यू कॉन्फिगरेशन, आर्गन कोर 4s0 3d6. नाउ द कॉन्फिगरेशन इज 4s0 3d6. तो फाइनल कॉन्फिगरेशन कितना 4s0 3d6. ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले लें, आयरन 2+ का कॉन्फिगरेशन आपको क्लियर हो गया 4s0 3d6. तो दिस इज द केस नाउ. अभी क्या केस है देखिए, 3d6, धीरे धीरे आराम आराम से सीखते हैं. नाउ दिस इज 3d6, दिस इज 4s0 और ये 4s का 0. एंड जितने भी ऑर्बिटल चाहिए होंगे वो सब आप ले सकते हो. यहां पे 4p 4d 4f सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं. सेट ऑफ 4 इज कंप्लीट. ओके, अब द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, 1, 2, 3, and 4 आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हैं. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हियर. ओके, अब बारी आई लीगेंड की. व्हाट इज द लीगेंड, द लीगेंड इज साइनाइड. द लीगेंड इज साइनाइड एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड. दिस वन इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड एंड दिस लीगेंड कॉज द बैक बॉन्डिंग. और क्या काम करता है ये, बैक बॉन्डिंग करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल. बैलेंस सेल में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फिर से एक बार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल, इट इज इटसेल्फ पेयर्ड बाय द अटैक ऑफ लिगेंड. लिगेंड के अटैक के कारण एनर्जी चेंज होती है. लिगेंड के अटैक के कारण एनर्जी चेंज होती है, जिससे बैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ पेयर्ड हो जाएंगे. इफ देयर इज इन, अगर वो एस में होते तो एस से भी निकल करके चले जाते. ओके, तो दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं क्योंकि
लिगेंड अटैक करता है, लिगेंड के आक्रमण के कारण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चले जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द न्यू कंडीशन आफ्टर द अटैक ऑफ लिगेंड, लिगेंड के अटैक के बाद की क्या सिचुएशन बन रही है। तो 3D इज नाउ आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग 1, 2, 3, 4 देयर इज 4s एंड यूनिट 4p ऑर्बिटल ऑल्सो, आपको 4p की भी जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज 3D, 4s एंड 4p ऑर्बिटल इज देयर, 6 लिगेंड है एंड लिगेंड ऑलवेज कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर द लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पे दो आ गए, एक यहां से यहां आ गया और एक यहां से आ गया, तो दो ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल गए। तो व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद की पोजीशन ये है, दिस इज द पोजीशन आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, द 2D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व अप टू द 3D लेवल इन 3D लेवल एंड द अदर्स आर हायर ऑर्बिटल, सो दिस इज इनर डी कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या हो गया सिचुएशन इज वॉट, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो पेयर इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, टू लिगेंड्स आर हियर इन 3D, 4s और 4p, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनाइड, ओके, तो 6 साइनाइड्स आर देयर, ओके, 6 साइनाइड यहां पर अटैच हो जाएंगे एज अ लिगेंड, एज अ लिगेंड, ओके। नाउ 6 साइनाइड्स आर गिवन देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 साइनाइड्स आर अटैच हियर, द हाइब्रिडाइजेशन इज डी, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2SP3, द हाइब्रिडाइजेशन इज हियर नाउ D2SP3, तो D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है किसके अंदर, इन द K4FeCN होल 6, तो K4FeCN होल 6 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2SP3, ओके, D2SP3 इन आर डी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टर होगा, पहले लिख चुके हम लोग, D2 से शुरू हुआ तो D2 3 का थर्ड लेवल का आया, तो ऐसे शुरू करेंगे, D से शुरू हुआ 3D, D2SP3, 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 ओके, 6 लिगेंड्स आर देयर, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज देयर, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके, इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सो नाउ इट इज D2SP3 ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ओके। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ K4FeCN होल 6, D2SP3 ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक 90, और नेचुरली व्हेन डायमैग्नेटिक देन इट इज कलरलेस, तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स भी होगा ये। अब ज्योमेट्री अगर मान लीजिए ड्रॉ करनी है, तो हाउ टू ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रन, दिस इज द ज्योमेट्री, यहां पे आप सारे जो बॉन्ड्स आएंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल द लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ओके, and the donor atoms are carbon here in the cyanide, cyanide mein donor atom kya hai, carbon hai, theek hai, aur this is the geometry of this complex, aur ye iska octahedral shape, this is about the octahedron, and there is how much 4 positive charges there, so 4 negative charges here, 4 negative charges here, you can find out the 4 negative charge, okay, so this is the geometry of K4FeCN whole 6, ye K4FeCN whole 6 ka structure hai, K4FeCN whole 6. Now ab hum baat karenge agle structure ke bare mein, to K4FeCN6 kaisa, D2SP3 inner d complex, D2SP3 hai inner d कॉम्प्लेक्स, सारे ऑर्बिटल अगले लेवल के आ रहे हैं इनसाइड से, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ
देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का. नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज K3FeCNO6, पोटेशियम फेरो पोटेशियम फेरिसाइनाइड. द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज K3FeCNO6. तो अगला सेकेंड कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं K3FeCNO6. तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे चार्ज निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द लिगेंड इज अगेन साइनाइड. लिगेंड क्या है? साइनाइड. और साइनाइड है इट मीन्स वॉट? इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिकॉज द डोनर एटम इज कार्बन हियर. कार्बन इसका डोनर एटम है इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ये. ठीक, तो चलिए पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं. 3 पोटेशियम इज देयर, 1 पोटेशियम का चार्ज प्लस 1, तो 3 पोटेशियम का चार्ज प्लस 3, 3 प्लस एक्स साइनाइड का चार्ज 1 माइनस 6 साइनाइड इज देयर, सो चार्ज इज माइनस 6 इक्वल टू 0, सो हियर एक्स इक्वल टू प्लस 3, एक्स की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज हियर 3 प्लस. ओके, तो नाउ द आयरन कॉन्फिगरेशन 4s2 3d 6 इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन. नाउ आयरन 3 प्लस, इन केस ऑफ आयरन 3 प्लस द कॉन्फिगरेशन इज 4s0 3d5. तो व्हाट हैपेंस बिफोर बैक बॉन्डिंग? तो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इज हियर इन 3d एंड 4s इज बैक इंट एंड अदर ऑर्बिटल्स यूनिट कैन ब्रिंक. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस? Fe3+, तो कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe3+ इज हियर. अब क्या, किसकी बारी? लिगेंड की. व्हाट इज द लिगेंड? साइनाइड. द डोनर एटम इज कार्बन एंड इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड? इट कॉज द बैक बॉन्डिंग. ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे. ठीक, आफ्टर द बैक बॉन्डिंग व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? 3d ऑर्बिटल का सिचुएशन बैक बॉन्डिंग के बाद. आफ्टर द बैक बॉन्डिंग 1 2 1 2 इज द पेयर बट देर इज नो इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग इन द थर्ड ऑर्बिटल. ओके 1 2, तो दो पेयरिंग में चले गए. ठीक है, बट देर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. नाउ 4s0 एंड 4p इज हियर बैकेंड, कंप्लीटली बैकेंड 4p इज देयर. ओके नाउ 3d 4s एंड 4p एंड एंट्री ऑफ लिगेंड स्टार्ट फ्रॉम दैट d2. ओके, यहां पे क्यों नहीं आया? क्योंकि लिगेंड हमेशा अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लाता है. लिगेंड इज ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे लिगेंड एंट्री नहीं करेगा, वहां पे लिगेंड नहीं जा सकता है. ठीक है, तो देयर इज कनेक्टिविटी ऑफ साइनाइड 1 2 एंड हियर 3 4 5 and 6 साइनाइड्स आर देयर. तो दिस इज द थर्ड साइनाइड, फोर्थ साइनाइड, ओके 5th साइनाइड एंड 6th साइनाइड. अगेन द आंसर इज सेम, d2sp3. द कैरेक्टर इज 90 degree, ऑक्टाहेड्रल 90 degree. ओके नाउ व्हाट हैपेंस? देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा इट मींस इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी होगा ये, पैरामैग्नेटिक. और डी से स्टार्ट करके अंदर जा रहा है तो इनर डी कॉम्प्लेक्स लाइक K4FeCN6. तो इनर डी कॉम्प्लेक्स. तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स K3FeCN6. ठीक है, अब यहां पे एक बात हम लोग करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वीक लिगेंड. एक वीक लिगेंड वाला भी पढ़ते हैं ताकि आप आसानी से सभी कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री आराम से निकाल पाओ. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है. और मैं खुद आपके साथ ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर्स और सभी कॉम्प्लेक्सेस तो मैं सॉल्व करता ही हूं. तो कोई टेंशन लेने की प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल उसको एक बार रिवाइज करना है, काम करना है. ठीक है ना, तो लेट्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स Fe H2O whole 6 3 plus. ओके, तो देखो एक बात ध्यान रखेंगे, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एनी
कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव चार्ज देन दैट चार्ज इज कंसीडर्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. तो उसके चार्ज को ही हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान सकते हैं, मानते हैं. इट्स चार्ज इज कंसीडर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स. मैंने नेगेटिव चार्ज के बारे में नहीं कहा है, ठीक है. क्लियरली क्या ध्यान रखना है, व्हेन देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज, देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, तो ये सबके सभी कॉम्प्लेक्स के लिए, सभी पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा आपके पास. नाउ What happens? Water is the neutral ligand. Its oxidation number is zero. तो देखो कैसे सॉल्व होगा. There is X plus 6 into 0 equal to the charge is plus 3. तो यहाँ पे कैरी कर देंगे plus 3. जो चार्ज रहता है ना, it is carried outside of equal. Okay. Now the X equal to what happens? Plus 3. तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप. कैलकुलेशन भी आनी चाहिए. लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज द That positive charge is the oxidation number of the complex. Okay. Now, अब solution शुरू करते हैं. तो iron का oxidation number कितना? 3 plus. तो iron is 26. 4s2, 3d6 is the configuration of natural iron. 3 plus पे जब जाना होगा, now it is 4s0, 3d5. 4s0, 3d5. देखे, configuration के बारे में मैंने आपको बोला था, हर जगह पे कॉन्फ़िगरेशन का काम पड़ रहा है, ठीक है ना. तो 4s0 3d5 इज द कॉन्फ़िगरेशन. नाउ अब बारी आई वाटर की. तो वाटर इज, वाटर में कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन इज अ वीक लिगेंड, जहां पे डोनर एटम्स हैलोजन्स, ऑक्सीजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होंगे, वो सभी वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे. दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वीक लिगेंड. ओके ना, तो वाटर में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है. लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है. तो ऑक्सीजन इज द डोनर, इट इज अ वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज नो बैक बॉन्डिंग. इसलिए जो आपका एनर्जी लेवल है 3D का, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. देयर इज नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग. वॉटर इज अ वीक लिगेंड. आप ऐसा ध्यान रख लो, कोई कमजोर व्यक्ति आ रहा है तो उसको देखकर कोई भी अपना कमरा खाली नहीं करने वाला है. सब अकेले अकेले एक एक सिंगल सिंगल रूम में रहेंगे. जब स्ट्रॉन्ग आया था तो उसको देख करके सब पेयर्ड हो गए थे, पेयरिंग कर लिया था और उसके लिए स्पेस बैक एंड कर दिया था. लेकिन अभी वीक जो द पर्सन कम्स, वो पर्सन कैसा है? वीक है. तो आप आराम आराम से रहेंगे, बोलेंगे आगे के कमरे में चले जाओ, इधर पे डिस्टरबेंस नहीं करो. ओके, तो दिस इज अबाउट 3D. देन 4s, 4p और ये 4d लेबल इज ऑल्सो हियर. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4s, 4p एंड 4d लेबल, 4s, 4p और 4d लेबल का इन्वॉल्वमेंट होगा इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe H2O whole 6+3+. Fe H2O whole 6+3+. तो नाउ 4s0. अब यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज वाटर इज द वीक लिगेंड. नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग. ओके, नो बैक बॉन्डिंग. वाटर इज वीक लिगेंड. वाटर कैसा है? वीक लिगेंड है, इसलिए कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. सो द एंट्री ऑफ वाटर इज स्टार्टेड फ्रॉम 4s. ओके, देन दिस इज sp3d2. वन वाटर एज सेम एज सेकेंड वाटर, थर्ड वाटर, फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल इज हियर एंड फिफ्थ इज हियर एंड द सिक्स्थ इज हियर. Now the hybridization is sp3 d2. तो सारे ऑर्बिटल कहां से आ रहे हैं? आउटसाइड से आए. sp3 d2 90 octahedral तो होगा ही, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. 90 octahedral पैरामैग्नेटिक
पैरा मैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये, ठीक है ना। पांच पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, पैरा मैग्नेटिक कलर्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। और अगर कभी मैग्नेटिक मोमेंटम पूछेंगे तो यह फॉर्मूला म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। तो अगर देखो sp3d2 आपको समझ में आ रहा है कि 3d इन्वॉल्व नहीं हुआ है, s से शुरू होके गया sp3d2 दिस इज 4d ओके। तो sp3d2 तो दिस इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक 90 ऑक्टाहेड्रल। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अगर मैंने एक बात आपसे कहा इसका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछते हैं, इफ ऑस द मैग्नेटिक मोमेंटम देन व्हाट, तो म्यू इक्वल टू व्हाट अंडर रूट एन एन प्लस टू एंड इट्स यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हियर नाउ अंडर रूट फाइव प्लस टू ओके। तो म्यू इक्वल टू व्हाट, there is 7 into 5 तो root of 35 it means 5.9 something is the answer root of 35 36 होगा तो आंसर आ जाएगा 6 exactly 6 आ जाएगा ठीक है। तो this is the solution of Fe H2O 6+3+। अब सभी कॉम्प्लेक्सेस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, केवल और केवल जो कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शनल केसेस वाले हैं उनको छोड़ करके। तो हम तो सभी कॉम्प्लेक्स के बारे में ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ और आप आराम आराम से सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस Ni CN whole 4 2 negative। तो व्हाट इज द प्रेडिक्शन, द प्रेडिक्शन इज मे बी sp3 और dsp2 बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, मे बी sp3 और dsp2। तो सॉल्व करते हैं है ना, जब इस कंडीशन पे आएंगे तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा है ना। द लीगेंड इज साइनाइड विच इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड, साइनाइड यहां पे लीगेंड है और वो एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। निकल एटॉमिक नंबर 28 चार्ज पे कैलकुलेट करते हैं, एक्स 4 साइनाइड इज 4- इक्वल टू चार्ज नंबर इज 2-। सो नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्स इक्वल टू प्लस 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस 2 है इसका। सो निकल 28 4s2 3d8 और प्लस 2 पे जाएंगे, द कॉन्फिगरेशन इज नाउ फॉर प्लस 2 इज व्हाट 4s0 3d8 इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल प्लस 2। निकल प्लस 2 का कॉन्फिगरेशन 4s0 3d8। नाउ व्हाट हैपेंस अबाउट 3d8, ये चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 दो अनपेयर्ड अभी है उसके पास निकल 2 प्लस में। द लीगेंड इज साइनाइड, इट इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड, देन बैक बॉन्डिंग इज देयर, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। आफ्टर द बैक बॉन्डिंग व्हाट इज द कंडीशन ऑफ 3d, तो 3d लेबल में बैक बॉन्डिंग हुआ मतलब देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल इन 3d लेबल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 There is a back bonding in 3D label. It means the hybridization is start from 3D. So dsp2 is the answer. Okay. The answer is ye ho gaya 4s and this is 4p. 3D se start hua and there is involvement of one cyanide in 3D label. So 4 cyanide the aapke paas kul. So there is dsp2 hybridization. Cyanide. There is cyanide and 4 cyanide is here. Now the hybridization is dsp2. Okay, dsp2 90 square planar. Okay, and this is a diamagnetic complex because there is no unpaired electron. Diamagnetic complex, okay, because there is no unpaired electron, and naturally when it is diamagnetic then it is colorless. Agar diamagnetic hai to colorless bhi hoga hi hoga ye hai na. So this is a diamagnetic colorless complex. Okay, now ab agle complex ki baat karte hain. Next complex Ni CN whole 4 2 negative dsp2 90 square planar diamagnetic
अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस जो निकल के हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं NiCl4 2 negative. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NiCl4 2 negative. इन द नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी, इन द नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद NiCl4 2 negative एंड आज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्या पूछा था पिछले के पिछले साल IITJEE मेंस, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा था। तो ठीक है अभी सॉल्व करते हैं इसको, है ना। NiCl4 2 negative देन चार्ज x, 1 chloride is 1 negative, 4 chloride is 4 negative एंड ओवरऑल द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 2 minus, सो x इक्वल टू हियर 2 plus, ओके। द चार्ज ऑफ निकल इज हियर 2 plus, तो निकल ग्राउंड स्टेट, द कॉन्फिगरेशन इज 4s2 3d8, ओके। इन केस ऑफ निकल 2 plus द कॉन्फिगरेशन इज 4s0 3d8। क्लोराइड इज द वीक लिगेंड, क्लोराइड वीक लिगेंड है, इट मींस देयर इज नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लोराइड वीक लिगेंड है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ओनली इन केस ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये सब बातें बीच बीच में जैसे हम याद करेंगे, ऐसा याद कर लिया हमने कि प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी सभी कॉम्प्लेक्सेस में वीक लिगेंड है, ठीक है। अमोनिया जब कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट करेगा तब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अदर कॉम्प्लेक्सेस में वो वीक लिगेंड है। तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, इन अदर कॉम्प्लेक्सेस इट इज वीक लिगेंड। नाउ द कॉन्फिगरेशन इज 4s0 3d8, ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 plus एंड द कंडीशन इज क्लियर नाउ बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लोराइड इज द वीक लिगेंड, क्लोराइड वीक लिगेंड है तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, देयर इज नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो 6, 7, 8, तो वन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4s0 इज हियर, 4s0 और 4p इज ऑल्सो हियर, तो 4p का कॉन्फिगरेशन भी खाली है और 4s भी यहां पे है। तो देयर इज 1 chloride, 2 chloride, 3 chloride and 4 chloride। ध्यान रखेंगे क्लोराइड यहां पे लिगेंड है, तो लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ओके। लिगेंड क्लोराइड इज द लिगेंड, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ द आंसर इज sp3, टेट्राहेड्रल sp3, sp3, ओके। 109 degree 28 minute, टेट्राहेड्रल द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, ओके। द लिगेंड इज क्लोराइड, 2 unpaired electron इज देयर, सो इट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये सभी चीजें हमको ढूंढते आना चाहिए, है ना, बिकॉज 2 unpaired electron इज हियर, सो इट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। द म्यू इज अंडर रूट एन, एन इज वॉट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज 2, अंडर रूट एन, एन प्लस टू, तो 2 plus 2, ओके। तो नाउ द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 2 plus 2, 4 into 2, √8, इट मीन्स 2.9, अबाउट 2.9, 2.84, 2.85 ऐसा कुछ आंसर होगा, जो भी हो दिस इज अबाउट √2.9, तो √8, है ना। तो व्हाट इज अबाउट NiCl4 2 minus, देयर इज निकल इज द सेंट्रल एटम, निकल यहां पे सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर निकल का 28, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2 minus, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2 और 4s0 4s2 3d8 इज द कॉन्फिगरेशन। निकल 2 प्लस पे जाएंगे तो 4s0 3d8 हो जाएगा, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, सो न्यू ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व ऑफ 4s एंड 4p एंड 4 लिगेंड्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म sp3 hybridized molecule बन जाएगा NiCl4 2 minus, NiCl4 2 minus इज sp3 hybridized molecule with bond angle of 109 degree 28 minute and the shape of molecule is tetrahedral. It is paramagnetic molecule due to presence of this lone pair electron and its magnetic momentum is under root n, n plus 2, so under root 2, 2 plus 2, the root of 8 is the answer, okay.
रूट ऑफ 8 इसका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ, कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि जिसका रिलेशन है कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से. एंड आफ्टर द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जिस पर बात करेंगे, अगर आप एडवांस में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो दैट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके कमांडोस, थैंक यू.